ठीक है, देखो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ देखो सबसे पहले ना, किर्चॉफ्स देखो किर्चॉफ्स लॉ उसमें भी पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पर भी पढ़ेंगे ना। तो किर्चॉफ्स का पहला नियम देखो, नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स कनेक्टेड टू ए नोड शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। आगे लिखो, अब ये तो हो गया, अब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखो आगे नोट करके। इफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू ए नोड वी शुड रिमेंबर दैट नेट चार्ज ऑन ए नोड ऑन ए बैटरी इज जीरो, हैंस वी शुड क्रॉस द बैटरी एंड कंसिडर द चार्ज ऑन द प्लेट्स अदर साइड ऑफ द बैटरी। देखो क्या मतलब इसका, पहला है ना, मान लो बना लेते कुछ भी बना लेते, एक लो ये दूसरा कैपेसिटर बना दिया, तीसरा बना दो, और क्या चाहिए, यहाँ पे एक बैटरी लगा दो लो, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है ना। तो मान लो इस पे चार्ज है तुम्हारा Q1, तो इस पे माइनस Q1 आ गया, इस पे चार्ज है Q2, इस पे माइनस Q2 आ जाएगा, इस पे चार्ज है Q3, इस पे मान लो माइनस Q3 आ गया। तो अब इक्वेशन लिखनी है ना हमें सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल्स होंगे ठीक है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं सॉल्व करने के लिए, हमें तीन इक्वेशन चाहिए होंगी। तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले तो नोड क्या होती है ना, नोड मतलब ये कोई भी कॉमन जंक्शन, ठीक है, ऐसे यहाँ पे और भी कैपेसिटर हो सकता था तो भी यही नोड कहलाती, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? पहले नोड मतलब समझ में आ गया, कोई भी कॉमन पॉइंट जिससे बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो इसको अपन नोड बोलते हैं। तो अब जैसे इस नोड की बात करें तो इस नोड से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है ना, तो अपन बना, देखो ये दोनों एक तरह से आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये दोनों देखो कैपेसिटर ये दोनों मिलकर बना रही है, कैपेसिटर ये दोनों मिलकर बना रही है, पर कैपेसिटर वाली प्लेट कनेक्टेड नहीं होती, वो चार्ज एक्सचेंज नहीं कर सकती, समझ में आ रहा है, यहाँ से चार्ज कभी यहाँ नहीं जाता ना, अरे जाने के लिए तो कंडक्टर से कनेक्ट करना पड़ता है ना, पर ये दोनों प्लेट देखो कनेक्टेड है ना, तो इधर से चार्ज इधर जा सकता है, इधर से चार्ज इधर जा सकता है, जो भी होगा इधर उधर रिडिस्ट्रीब्यूट होगा ना, कहीं और से तो नहीं आ रहा ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, तो मैं लिख सकता हूँ Q2 - Q1 शुड बी कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकता, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, समझ आया? तो ये बोला था एक नोड से जितनी भी प्लेट्स कनेक्टेड है उसका नेट चार्ज क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, यही तो लिखा है हमने, ये देखो ये अपने आप में एक बन गया, तो हम बोल सकते हैं Q3 - Q2 शुड ऑल्सो बी, मतलब कितना भी तुम बैटरी बदल दो कुछ भी कर दो कुछ भी कर दो रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है चार्ज, इधर से इधर जा सकता है इधर से इधर जा सकता है, बट टोटल तो वही रहेगा, आ रहा है समझ में? अब इधर पे देखो, इधर पे दिक्कत, इधर पे तुम ऐसे नहीं बनाओगे क्योंकि बैटरी पे नेट चार्ज क्या होता है जीरो, तो जब भी बैटरी आएगी बैटरी को हम जंप कर जाएंगे और अगली प्लेट देखेंगे, बैटरी को होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी को ऐसे ज्वाइन कर दिया, सोचा करो दिमाग में वायर से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि बैटरी याद रखना बैटरी चार्ज देती है पर नेट चार्ज तो जीरो ही देती है ना, अगर इधर से 5 कूलम निकलेगा इधर से -5 कूलम निकल जाएगा, आया समझ में? तो बैटरी को हम जंप कर जाएंगे ना, तो अब क्या है हमारा कौन सी दो प्लेटें, ये दोनों, तो हम लिखेंगे Q1 = आया क्या समझ में? तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन आ गई, अब हम देखेंगे वो क्वेश्चन करेंगे ना हमें पता चल जाएगा। अब देखो असलियत में क्या होगा, अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पहले समझ में नहीं आया तो हमने यही लिखा था नोट में भी, जो लिखा था वही पढ़ लिया, अब समझ में आ गया जो नोट लिखा है, आ गया क्या? ठीक है हाँ, तो अब देखो असलियत में क्या होगा, असलियत में ये दो इन दोनों प्लेट्स पे अगर इनिशियली कुछ चार्ज है तो ठीक है, पर असलियत क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो हमको तो न्यूट्रल दिया जाएगा, बोलेंगे कि इनिशियली न्यूट्रल था, इंडी 99% क्वेश्चंस में ऐसा होगा, अगर वो इनिशियली न्यूट्रल था मान लो ये, तो Q1 - Q2 क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो, तो इससे तुम्हारे सॉल्व कर करके निकलते जाएंगी चीजें, ठीक है, अभी के लिए इतना है, बाकी हम क्वेश्चन करके समझेंगे।